नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास ये एम्पलीफायर आप देख सकते हैं। ये दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर है इसे मैंने धोया हुआ था, जो कि मैंने इसका वीडियो में डाला हुआ है। आप देख सकते हैं ये वही एम्पलीफायर है जो कि रोनका कंपनी का है और 250 वाट एम्पलीफायर है ये। तो आप इसकी फ्रंट भी देख सकते हैं और इसे धोने के बाद में ये बिल्कुल सूख चुका है। दोस्तों, इसे मैंने लगभग 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दिया था सूखने के लिए। तो इसकी जो ड्राइवर बोर्ड है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, एकदम बिल्कुल नए जैसी चमक रही है। आप देख भी सकते हैं, कुछ भी अब यहाँ पर गंदगी वगैरह कुछ भी मॉइस्चर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो पहले क्या था कि इसमें बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। इसकी जितनी भी वायरिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल अभी क्लियर है। और उस पहले क्या था, उस समय क्या था कि पूरी वायरिंग में मॉइस्चर लगी हुई थी दोस्तों। पूरा वायरिंग में एक तरीके का कवर जैसा पूरा गंदगी चढ़ा हुआ था। अगर आप इस तरीके से रिपेयर करते तो रिपेयर करने में काफ़ी मुश्किल होती। तो मैंने इसे क्या किया है कि मैंने इसे सर्फ एक्सल पाउडर से और पानी से पूरा का पूरा धो दिया था, तब जा करके ये इस तरीके से क्लीन हुआ है। तो अब दोस्तों, हम यहाँ पर करना क्या है कि अब इसकी जो रिपेयरिंग है, अब मुझे यहाँ पर रिपेयर करने के लिए अब इसका काम शुरू करना है। और वीडियो को दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर वायर कुछ टूटा हुआ है। ये हमारा डीसी वायर है जो कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो आप बाहर से बैटरी से अगर कनेक्शन करते हैं तो उसके लिए है। और ये हमारा ड्राइवर बोर्ड, तो जितने भी इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन खुला हुआ है, ये हमारा एसी इनपुट के लिए है जहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं। और सबसे पहला शुरू करेंगे तो हम यहाँ से शुरू करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो वायर देख रहे हैं, ये स्विच से निकला हुआ है। तो स्विच ऑन ऑफ के लिए यहाँ से वायर निकला है। तो आपको काम जो करना है यहीं से हमें स्टार्टिंग भी करनी है। तो एक हमारा फ्यूज होल्डर में लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से बस एक ही बात है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें दोस्तों। तो कैमरे को मैंने सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्विच जो है मैंने टेस्ट किया है, स्विच हालांकि ठीक है, स्विच ख़राब नहीं है। तो स्विच को हम नहीं बदलेंगे। तो यहाँ से दो वायर निकला हुआ था और ये हमारा मेन तार है जहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट करेंगे। इस वायर को हमें खोल देना है क्योंकि दोस्तों ये बहुत जगह से हल्की हल्की कट गई है, और कटने के कारण से ये फिर से शॉर्टिंग वगैरह कर सकती है, करंट वगैरह लग सकता है, इसलिए हम इस वायर को निकाल ही देंगे। और जहाँ पे भी इसकी जो भी प्रॉब्लम है मैं आप लोगों के सामने लाइव दिखाऊंगा, और कहीं भी एडिट वगैरह कुछ भी नहीं होगी दोस्तों, ना ही हमारे चैनल पे फेक वीडियो मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेस करना है, जो स्विच से दो वायर आई हुई है। तो एक वायर दोस्तों आपका जो मेन वायर है, ये हमारा ये है जो कि स्विच की तरफ से आई है, और एक हमारा फ्यूज में लगा हुआ है। देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पे कैमरे की फोकस नहीं हो पा रही है, जो कि आप डायोड के नीचे देख सकते हैं। इसे मैं काट लेता हूँ, देखिए मैं कट कर दिया है। और फ्यूज होल्डर के माध्यम से ही हम कनेक्शन करेंगे ताकि ये सेफ्टी भी है। अगर आपका एम्पलीफायर अगर किसी तरीके से प्रॉब्लम में होती है तो फ्यूज उड़ जानी चाहिए, तो यहाँ पर फ्यूज को डायरेक्ट कर दिया गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और मेन वायर को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। मेन वायर को कट करने के बाद में मेन वायर को भी हम निकाल लेंगे, और इसके जगह पे 1.5 mm की वायर हमें लगानी है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और ये मैंने निकाल भी दिया है मेन वायर को। तो इसे निकालने के बाद अब यहाँ पर हम 1.5 mm की वायर लाते हैं। ये हमारे पास 1.5 mm की वायर मैंने निकाल के रखा हुआ है, जो कि दोस्तों ये 3 मीटर मैंने कट कर लिया पहले से, आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास केबल है तो आप 1.5 mm की केबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास केबल नहीं है तो मैं इसी केबल की जगह पे इसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसे हम कनेक्शन करते हैं। तो कोई भी काम करना हो तो दोस्तों, अगर आप शुरू से करेंगे तो हमारा जो शुरू पॉइंट होता है, मेन लाइन 220 वोल्ट जो इनपुट है, हम वहीं से हमारी शुरू भी होती है। तो डायग्नोस के लिए यानी कि जांच के लिए, जब तक हम इसमें लाइन डालेंगे नहीं तब तक मेरा यहाँ पे 24 वोल्ट के आसपास करंट मिलेगी नहीं, तब तक आप कोई भी रिपेयर काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है जो कि 24 वोल्ट इनपुट के लिए है। अगर आप बैटरी से इसे चलाना चाहेंगे
तो दो बैटरी से सीरीज में कनेक्शन करके दोस्तों यहाँ पे उसकी सेफ्टी के लिए दो डायोड लगे हुए हैं और एक रेजिस्टेंस है। तो इस प्लेट को खोल लेना है और खोलने के बाद फ्यूज में कनेक्शन करेंगे। तो ये लगे हुए फ्यूज में सोल्डिंग करना में दिक्कत है, इसीलिए मैं इसे खोल रहा हूँ। तो इसे निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूज आपको नज़र आ रही होगी। तो इसे साइड में करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे फ्यूज देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल अब क्लियर दिख रही है। तो आपका जो मेन वायर है ये हमारा डायोड है और एक सप्लाई दोस्तों यहाँ से हमारी उसी बोर्ड में 54 वाट जो मैंने अभी PCB निकाला हुआ है तो ये सप्लाई हमारी उसी में जाती है। तो इसे भी कट कर देना है और कट करने के बाद मैं यहाँ पर दूसरा वायर लगाएंगे क्योंकि ये वायर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो यहाँ से अगर आप मेन कनेक्शन करेंगे तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप जो ऑरेंज कलर की वायर आप देख रहे थे यहाँ, यही हमारी आउटपुट सप्लाई है जो कि DC लगभग 35 से 40 वोल्ट के करीब यहाँ से हमें मिलनी चाहिए। और जब हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे तो चेक करने के बाद में यहाँ से रेक्टिफायर से निकलने के बाद आप इस वायर को आप ट्रेस करेंगे तो यहाँ फिल्टर कैपेसिटर में आपको 40 वोल्ट के करीब मिलनी चाहिए। 35 से 40 वोल्ट के बीच कहीं भी ये रुक सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी फिल्टर कैपेसिटर के माध्यम से यहाँ पर स्टोर हो करके और दोस्तों ड्राइवर बोर्ड में और ट्रांजिस्टर में, तो दोनों चैनल का जो ट्रांजिस्टर है उसमें भी सप्लाई यहाँ पर आपको मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है ये हमारा मेन वायर है, आप देख सकते हैं, इसे आपको यहाँ पे गांठ मार देना है ताकि ये बाहर की तरफ फिर खिंचाएगी नहीं। तो यहाँ से मैंने इसे गांठ मार दिया है, देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों दो फेस है तो एक फेस को आपको स्विच के माध्यम से ट्रांसफार्मर में देना है और एक फेस को आप फ्यूज़ के माध्यम से भी दे सकते हैं, या तो फिर एक को डायरेक्ट आप ट्रांसफार्मर में दे दीजिए और एक फेस को आप स्विच के माध्यम से होते हुए ट्रांसफार्मर में देना है। तो इसे मैं सोल्डिंग पहले कर लेता हूं और इसे फ्यूज में ही हम कनेक्शन करेंगे, तो बहुत ही इजी है। तो चलिए हम फ्यूज में कनेक्शन करने के बाद में फिर आगे दिखाते हैं आपको दोस्तों। लेकिन एक चीज़ है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो आप लोग समय निकाल के ही देखिएगा, क्योंकि दोस्तों छोटी वीडियो बन नहीं पाती है। अगर मैं बिल्कुल कट करके बनाऊंगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगी, खास करके नए लोगों के लिए, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है ताकि मैं क्लियरली आपको दिखा सकूं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं एक वायर दोस्तों मेरा जो मेन वायर है मैंने जोड़ लिया और यहाँ से दोस्तों हमारा जो एक फेस है वो मैंने स्विच में कनेक्शन हमें करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों हमारा जो ऑरेंज कलर का तार मैंने पकड़ा हुआ है ये हमारा स्विच से आई हुई है और एक वायर हमारा ये है, तो दोनों हमारा स्विच के तरफ से आई हुई है। तो एक दोस्तों हमारा स्विच में जाना है, करंट इनपुट करना है और एक हमें आउटपुट लेना है स्विच से। तो आप ये जो ऑरेंज कलर की आप देख रहे हैं इसे हम ट्रांसफार्मर में एक फेस में हमें जोड़ देना है और एक जो बच रही है एक हमें फ्यूज में जोड़ देना है। तो हो गई दोस्तों कि एक हमने इनपुट डाला और एक हमने आउटपुट लिया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का एक फेस हमारा बच जाती है, उसे आपको मेन लाइन में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है जो कि पीला वायर मेरा एक बचा हुआ है। तो इसे मैं फटाफट फ्यूज में कनेक्शन कर लेता हूँ। तो कहीं कहीं पे दोस्तों वीडियो मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि समय आपका ज़्यादा हम ना लें, हालाँकि वीडियो को कटिंग करके बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे भाई लोगों का गलत कमेंट आने लगती है तो इसीलिए मैं जल्दी कटिंग नहीं करता हूं और ना ही फेक वीडियो भी बनाता हूं। तो देख सकते हैं यहां पर फ्यूज में आपको एक स्विच वाली वायर जो है उसे मैंने फ्यूज में कनेक्शन कर दिया है और एक वायर दोस्तों आपका जो यहां पे बचा हुआ है ये हमारा, अब टोटल यहाँ पे देख सकते हैं दो वायर हमारी ट्रांसफार्मर से बची हुई है और दो हमारी मेन तरफ से बची हुई है। तो स्लीविंग लेना है ताकि जो भी ज्वाइंट यहाँ पे आएगी उस ज्वाइंट में आपको कवर चढ़ा देना है, चाहे तो आप ब्लैक टेप का भी यूज कर सकते हैं या तो फिर मोटर वाइंडिंग दुकान में आपको स्लीविंग मिल जाएगी। तो 3 नंबर स्लीविंग मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसे ट्रांसफार्मर में कनेक्शन करने के बाद एक बार फिर मैं आपको वोल्टेज कहाँ पे चेक करना है वो मैं बताऊंगा।
तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आइटम हो दोस्तों, कोई भी पीसीबी हो, अगर उसमें से चूहे का जो बाथरूम होता है बहुत ही ख़राब होता है, तो अगर वो ख़राब कर दे, अगर उसमें से बाथरूम हो जाए तो फिर एक अलग तरीके का उसका जो बाथरूम जिधर जिधर से मतलब बहती है उधर से दोस्तों एक अलग तरीके का एक करंट मतलब प्रवाह होने लगती है उधर से, तो शॉर्टिंग करने लगती है, जिसके कारण से रिपेयरिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि चाहे तो आप उसमें बिल्कुल धो देना है या फिर पेट्रोल से वॉश कर दीजिए, जैसे भी करना, बिल्कुल आपको जब तक साफ़ करेंगे नहीं तो रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर का जो मेन कनेक्शन है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कर लिया है, आप देख भी सकते हैं, और सारे सभी ज्वाइंट में स्लीविंग कवर लगाने के बाद अब जो है सो ये हमारा मेन वायर है, तो इसे मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। और इसमें से आपको 6 एम्पियर का 3 प्लग टॉप जो होता है उससे आप लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे हम मैंने फ्यूज भी कनेक्शन कर लिया, फ्यूज जो मैं यहाँ पे कटा हुआ था तो फ्यूज भी मैंने जोड़ करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये मीटर है तो इसे मैंने कंटिन्यूटी मोड में रखा हुआ है, और यहाँ पे आप इसकी बीप की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ट्रांसफार्मर बिल्कुल अब ये ओके हो चुका है। अब दोस्तों इसमें हम एक बार लाइन इनपुट करेंगे, और इसकी जो वोल्टेज सप्लाई है, अब ये हमें वोल्टेज आपको टेस्ट करना है कि आप कैसे आपको टेस्ट करना है ड्राइवर बोर्ड में क्या ख़राबी है या फिर सही है वो कैसे पता करेंगे, तो भी मैं आपको भी बताऊंगा। हालांकि ये रखी हुई एम्पलीफायर है, तो रखा हुआ एम्पलीफायर में दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का सामना कभी कभी करना पड़ता है, और रखा हुआ एम्पलीफायर में होता क्या है कि आप इसकी गंदगी देखेंगे तो उसी समय थोड़ी सी मन में निगेटिव हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो रेक्टिफायर है यहाँ पे हमें वोल्टेज अब चेक करनी है, तो ड्राइवर बोर्ड को आपको सही सलामत रखना है ताकि इधर उधर शॉर्टिंग भी ना हो। तो रेक्टिफायर में हम चेक करेंगे इसकी जो सप्लाई है, और एक बार मैं इसमें लाइन इनपुट करूँगा। लेकिन लाइन इनपुट करने से पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि जब भी आप लाइन इन करेंगे इस तरीके का एम्पलीफायर में, तो आपको सीरीज में टेस्ट करना है। अगर आप सीरीज में नहीं करेंगे तो हो सकता है दोस्तों आगे एक शॉर्टिंग हो, क्या हो अभी पता नहीं है, तो इसीलिए आपको सीरीज में जब आप चेक करेंगे तो सारी प्रॉब्लम पता चल जाएगी इसमें से। तो मैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन कर रहा हूँ और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने सीरीज में लाइन इनपुट कर दिया है, और इनपुट करने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ से हम DC 200 की रेंज में हमने सेट किया हुआ है, और अपने मीटर का एक फेस जो ब्लैक है उसे एम्पलीफायर की कहीं से भी आप ग्राउंड ले लेना है। और सबसे पहला जो हम वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे वो रेक्टिफायर के प्लस में, तो देख सकते हैं यहाँ पे 40 वोल्ट के करीब यहाँ पे आउटपुट हो रही है, और ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर है तो यहाँ पे भी हमें वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सप्लाई ठीक है। अब इसके आगे जो है सो अब ड्राइवर बोर्ड में भी हमें चेक कर लेना है। तो फिल्टर कैपेसिटर से आपको जो सप्लाई चेक करना है दोस्तों, यहाँ से आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जाती है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे आपको, सभी कनेक्शन हम मैं दिखाऊंगा। तो ड्राइवर बोर्ड में कहीं पे भी आपको जला हुआ पहचान नहीं मिलेगा, कहीं पे भी कुछ भी मतलब डैमेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी एम्पलीफायर में लाइन इन नहीं हो रही है, फिर भी एम्पलीफायर हमारा चालू नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विच हमारा ऑन है, और पावर इंडिकेटर जो है, पावर LED जो है वो भी जल नहीं रही है। तो अब हमें इस कंडीशन में करना क्या है कि आपको कहाँ पे आपको चेक करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ड्राइवर बोर्ड में दोस्तों आपको 35-40 वोल्ट चेक करने के बाद में यहाँ से आपको 18 वोल्ट यहाँ से आउट होकर के, और इस आगे वाली जो फ्रंट पैनल आप देख रहे हैं यहाँ पे आनी चाहिए 18 वोल्ट। तो जो कि अगर 18 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगी तो आपका एम्पलीफायर कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि फिल्टर कैपेसिटर से दोस्तों यहाँ पर ओवरलोड जो स्विच लगी है इसे आपको यहाँ पर ट्रेस करते हुए जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे ओवरलोड स्विच के माध्यम से होते हुए यहाँ पे दोस्तों 37-73 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर गई है। तो मोटी वायर जो देख रहे थे आप रेड कलर की, वही हमारी दोनों तरफ का जो इधर का भी और इधर का दोनों तरफ का जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो दोनों में सप्लाई हमारी ओवरलोड स्विच के माध्यम से दोनों तरफ का ट्रांजिस्टर में सप्लाई गई है, और उसी ट्रांजिस्टर से हो करके और इस ड्राइवर बोर्ड में सेम सप्लाई 30-55 का जो ट्रांजिस्टर है ड्राइवर बोर्ड में जो बेस वोल्टेज के लिए बनाया गया है दोस्तों, आउटपुट ट्रांजिस्टर जिसे आप बोल सकते हैं,
तो वहाँ पे सप्लाई दी गई है। तो चलिए मैं आपको वोल्टेज चेक करके भी दिखा रहा हूँ। तो ये हमने कलेक्टर पे चेक कर रहा हूँ अभी, तो लगभग 31 वोल्ट के करीब यहाँ पे मिल रही है। तो मैंने अभी सीरीज में कनेक्शन एम्पलीफायर, इसलिए वोल्टेज थोड़ी सी कम बता रही है। खैर ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर 4007, और ये हमारा प्लस वोल्टेज है जो कि मेन हमारी सप्लाई इन है। तो यहाँ पर ठीक है, और इसकी पिन पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारी सप्लाई आ रही है, और इस दोनों ट्रांजिस्टर में सप्लाई आ रही है। तो इस ये जो है हमारा 7818 का, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक नंबर पिन में यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही, जबकि यहाँ पे भी हमें लगभग 30-32 वोल्ट मिलना चाहिए। और इस ट्रांजिस्टर से दोस्तों एक नंबर का पिन जो है इनपुट है, और बीच वाली जो है हमारी ग्राउंड होती है, और 3 नंबर पिन हमारी आउटपुट होती है जिसमें 18 वोल्ट हमारी बाहर होती है। तो यहाँ पे हमारे सप्लाई इन हो ही नहीं रही, तो 18 वोल्ट कहाँ से बनेगी? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि ये जो पिन या इस ट्रांजिस्टर का जो एक नंबर पिन है, इससे आपको ट्रेस करना है, और इसकी सप्लाई कहाँ से आई हुई है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका ब्राउन कलर की वायर है दोस्तों, ये ब्राउन कलर की वायर को आपको ट्रेस करते हुए जाना है। तो यहाँ पर सप्लाई हमारी घुस रही है, और यहाँ पर 2407 का डायोड भी लगा हुआ है, तो दोनों को आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी इस ट्रांजिस्टर में सप्लाई ठीक है, लेकिन 7818 की जो ट्रांजिस्टर है इसमें सप्लाई हमारी इन नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे मैं 4007 के बगल में सप्लाई 4007 का जो डायोड लगा हुआ है वहाँ पे भी सप्लाई देखेंगे, तो वहाँ पे भी सप्लाई हमें ठीक ठाक मिल रही है, यानी कि ड्राइवर बोर्ड में हमें कोई भी प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों एम्पलीफायर में कुछ देर मैंने यहाँ पर लाइन डाल करके इतना देर चेक कर रहा था, तो यार इस रेक्टिफायर में ड्रॉप कर गई है वोल्टेज, जो कि मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया, वीडियो मेरा पॉज हो चुका था। तो डायोड जो है दोस्तों ये हमारा शॉर्टिंग हो चुका था, पहले लगता है हाफ शॉर्टिंग होगा, जिसके कारण से ये अभी तुरंत ख़राब हो गई है। तो यही होता है दोस्तों, जब एम्पलीफायर में अगर गंदगी वगैरह बनी रहे, और उसमें अगर किसी का चूहे का जो डस्ट होता है दोस्तों, चूहे का जो बाथरूम होता है बहुत ही ख़राब होता है। तो इसे हम कंटिन्यूटी आपको टेस्ट करके बता रहे हैं इस डायोड में। तो देखिए दोस्तों ये शॉर्टिंग हो चुका है, अभी कुछ देर चलने के बाद में, अभी कुछ देर पहले ये सही तरीके से वोल्टेज बना रही थी, आउटपुट दे रही थी, लेकिन एकाएक ये ऑटोमेटिक चुप हो गया, जबकि कोई लोड भी नहीं है, ना ही कहीं पे शॉर्टिंग हुआ है। तो इस डायोड को आपको चेक कर लेना है, चेंज कर लेना है पहले, और उसके बाद फिर मैं आपको ड्राइवर बोर्ड में टेस्ट करने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए इसे फटाफट हम चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ताकि मैं आपके मन का कोई भी डाउट हो तो मैं क्लियर कर सकूं, और कुछ जो भी मन में सवाल हो तो आप लोग पूछिएगा ज़रूर। तो देख सकते हैं डायोड दोस्तों हमारा एक पिन जो है एसी से प्लस का जो पिन होता है, दोनों में शॉर्टिंग हो चुका है। तो यहाँ पे 3510 का डायोड मैंने लिया हुआ है, और ये रेडकॉम कंपनी का है। तो दोस्तों इसे मैं फिल कर लेता हूँ। तो इसकी कनेक्शन दोस्तों जैसे आपने खोला था उसी तरीके से आपको लगाना है, तो इसमें मार्क किया हुआ रहता है। तो प्लस के कोने में जो है वो माइनस होती है, और एसी टू एसी फिर कोने में होती है दोस्तों। तो इसे हम टाइट कर लिया है, और टाइट करने के बाद में फटाफट सप्लाई भी करेंगे, सप्लाई कनेक्शन सोल्डिंग कर देना है। तो दो ट्रांसफार्मर की होती है, और दो हमारे सप्लाई के लिए आउटपुट। तो इसके बाद में दोस्तों एक हमारे पास और भी एम्पलीफायर आई हुई है, जो कि स्ट्रेंजर 3K का है। तो नेक्स्ट में आपको उसे भी मैं रिपेयर करके बताऊंगा, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है। तो यहाँ से सोल्डिंग, यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी मजबूती से सोल्डिंग करनी है, पतला वायर यहाँ पे है नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डिंग मेरा हो चुका है, और अब जो है सो आपको दोस्तों यहाँ से प्लस का सप्लाई जो है सो आपको ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे थे, जहाँ से मैंने पहले का पीसीबी खोला हुआ था, जो 24 वोल्ट बाहर से आप इनपुट करते हैं, तो वहाँ का एक तार टूटा हुआ था दोस्तों, जो कि फर्स्ट मतलब वीडियो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, ऑरेंज कलर की तार मैंने हटाया हुआ था, तो उससे आपको जोड़ देना है। जो अभी 7818 की जो ट्रांजिस्टर पे मेन सप्लाई वहाँ पे नहीं पहुँच रही थी, तो इसी जम्फर के कारण दोस्तों नहीं पहुँच रही थी, तो यहीं से सप्लाई ड्राइवर बोर्ड में गई है 7818 पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कहाँ पे गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर
मैंने रेजिस्टेंस की एक नंबर पिन और डायोड की पॉजिटिव पे सोल्डिंग कर दिया है। तो यहाँ से हमारा सप्लाई इस रेजिस्टेंस से होते हुए ड्राइवर बोर्ड में 7818 की एक नंबर पिन में सप्लाई अब चल गई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, भी लाइन इनपुट करके भी दिखाऊंगा, और उसके बाद देखते हैं हमारा एम्पलीफायर चालू होता है या नहीं। और सबसे पहले आपको वोल्टेज मैं चेक करके ही बताऊंगा। तो ये जो आप ऑरेंज कलर के, सॉरी ये जो ब्राउन कलर की वायर देख रहे थे, इसी वायर को ट्रेस करते हुए कोई भी चीज़ है दोस्तों, अगर सप्लाई ना मिले तो आपको वायर का भी ट्रेस कर लेना है। तो यहीं से ट्रेस करते हुए मैंने यहाँ पे देखा था, और यहाँ पे अब हमारे 7818 पे एक सप्लाई पहुँच चुकी है। तो इतना काम करने के बाद में मैं अब इसमें लाइन इनपुट करूँगा और देखते हैं फिर वोल्टेज 18 वोल्ट हमारा बन रहा है या नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइन इन कर दिया है, और लाइन इन करने के बाद में डीसी ध्यान कैसे ना दिया मीटर में मैं सेट करेंगे अभी। तो यहाँ पे वोल्टेज, ओ सॉरी, मीटर मैंने डीसी रेंज में सेट नहीं किया था, तो अभी मैंने 200 की रेंज में सेट किया है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 वोल्ट बनना शुरू हो चुका है, 18 वोल्ट यहाँ पे बन गई है। तो अब इसकी जो फ्रंट पैनल है दोस्तों, फ्रंट पैनल में भी लाइट आ चुकी है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। और इतना काम करने के बाद में एक चीज़ आपको और देख लेनी है कि ड्राइव वोल्ट में बन रही है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ड्राइव वोल्ट जो है, बेस वोल्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं बन रही है। तो हो सकता है दोस्तों इसमें आवाज़ आए या नहीं भी आए। तो ये प्रीसेट में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 18 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। तो एक जो है दोस्तों यहाँ पे दो नंबर पिन प्रीसेट की, इसमें हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, जबकि यहाँ पे भी लगभग 10-11 वोल्ट बनना चाहिए था। और इसकी फ्रंट में आप देखेंगे तो डिस्प्ले में भी लाइन आ चुकी है, एम्पलीफायर भी हमारा ऑन हो चुका है। तो केवल 7818 का कनेक्शन नहीं होने के कारण ऑन नहीं हो रही थी। तो अब जो है सबको मैं स्पीकर कनेक्शन करके और इसकी आवाज़ देखते हैं थोड़ी सी कि क्या आवाज़ आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्पीकर वगैरह कनेक्शन कर लिया है, और कनेक्शन करने के बाद केवल इसमें खरखराहट आ रही है। तो वॉल्यूम को दोस्तों छूने पर आवाज़ में खरखराहट जैसी आ रही है। तो सबसे पहला जो है, तो अभी ड्राइवर बोर्ड तरफ अभी हम जाना नहीं है, ये जो वॉल्यूम आप देख रहे थे, इसे दोनों वॉल्यूम को हमें चेंज कर देना है, इसको और मास्टर वॉल्यूम जो है मेन वॉल्यूम, इसे आपको चेंज कर लेना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो फटाफट इसे खोल लेना है नोब को। तो यहाँ पर मैंने नोब खोल लिया है। तो ज़्यादा दिन से रखने के बाद में सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वॉल्यूम पर ही आती है दोस्तों, यहाँ पर जंग वगैरह लग जाने से, इसमें गंदगी वगैरह बैठ जाने से इसमें खरखराहट जैसी आवाज़ आ जाती है। तो 10K का वॉल्यूम कोई भी एम्पलीफायर हो जाकर, उसकी जो मेन वॉल्यूम होती है उसमें 10K लगी होती है, और उसके अलावा बेस ट्रेबल हो या फिर ऑक्स का हो उसमें 100K का वॉल्यूम का यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं 10K वॉल्यूम ही यूज़ करूँगा अभी। तो ये हमारा आगे का जो पैनल है वो मैंने खोल लिया है, केवल इतना ही खोलना है, इतने ही में मेरा काम बन जा रहा है, तो ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना में वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10K है, और एक हमारा ऑक्स 2 का है। तो हो सकता है ये भी ख़राब हो, जब तक आवाज़ पूरी तरीके से बढ़ेगी नहीं तब तक पता भी नहीं चल रही है, केवल मेन वॉल्यूम छूने से ही खरखराहट आ रही थी। तो अभी इसे भी हम चेक कर लेंगे एक बार। तो हमने नया वॉल्यूम लिया हुआ है 10K, देख सकते हैं जो कि एलकोन का है। और जब आप इसे लगाएंगे तो आपको ध्यान में रख लेना है कि कौन सी वायर हमारी किधर है। अगर नए मैकेनिक हैं और नए डीजे वाले भाई लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कोई भी कनेक्शन खोलने से पहले आपको ध्यान में रख लेना है, या तो फिर आपको करना क्या है कि एक वायर खोलेंगे और फिर दूसरा वॉल्यूम, नया वॉल्यूम जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको सेम इसी तरीके से काम करना है। नहीं तो फिर अगर आप एकाएक तीनों वायर खोल देंगे तो फिर आपके साथ समस्या बन जाएगी। तो इसे फटाफट हम सोल्डरिंग कर लेते हैं।
और सोल्डरिंग करने के बाद में हो सकता है दोस्तों ड्राइवर बोर्ड में जो बेस वोल्टेज बन नहीं रही थी, जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था आपको, तो प्रीसेट में दो पिन में सप्लाई मिल रही थी और एक में नहीं मिल रही थी, तो उसमें भी हम चेक करेंगे अभी। तो पहले जो वॉल्यूम है इसे आपको यहाँ पे फंसा लेना है, टाइट कर देनी है थोड़ी सी, उसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो हम ढूंढेंगे अभी। दोस्तों आहूजा कंपनी का एम्पलीफायर हो या फिर कोई भी एम्पलीफायर हो, अगर आप इसकी थ्योरी अगर जान लेंगे तो फिर रिपेयर करने में काफ़ी आसानी भी होती है। तो यहाँ पर मैंने लाइन इनपुट करके दिखाया आपको, इसमें सरसराहट आ रही है दोस्तों, जो इसमें यूएसबी लगा हुआ है तो उसमें एफएम चालू हुआ है। तो आपको मैं एक बार अपने मोबाइल से MP3 चला के भी देखते हैं इसकी आवाज़ में क्लियर कितना है। और यहाँ तक तो अभी तक तो आवाज़ आ रही है, और ये हमने हाथ से टेपिंग देने पर भी ऑडियो बन रही है। तो अब MP3 चालू करेंगे। तो देख सकते हैं आवाज़ जो है बिल्कुल फटी फटी आ रही है और वॉल्यूम हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इसकी जो बेस वोल्टेज है वो मैं देख लेता हूँ, अगर दोस्तों बेस वोल्टेज नहीं बनेगी तो आवाज़ आपका फटना ही है। तो अपने मीटर को दोस्तों मैंने यहाँ पे DC की रेंज में सेट किया हुआ है, तो प्रीसेट में सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि MP3 चालू रखते हुए आप टेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रही दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई हमारी 18 वोल्ट के करीब आ रही है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे ठीक है, चलिए मीटर को आपको नहीं दिखा पा रहा था, चलिए मीटर को मैं यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 18 वोल्ट के करीब ये हमारी ठीक है, और इस जगह पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं देख सकते हैं। तो आगे करना क्या है, इसकी जो प्रीसेट है तो इस ड्राइवर बोर्ड में सबसे पहले आप अपने एम्पलीफायर को बंद कर लेना है यहाँ पर। तो मैंने एम्पलीफायर को बंद कर लिया है, और बंद करने के बाद तो यहाँ पर 100 ओम्स की प्रीसेट लगी हुई है। तो आप चाहें तो आप इसमें 200 ओम्स तक की प्रीसेट यूज कर सकते हैं। तो प्रीसेट को हमने खोल लेना है, और खोल लेने के बाद मैं नया प्रीसेट यहाँ पे फिल करेंगे अभी, और फिर देखते हैं आगे फिर वोल्टेज आपको कैसे सेट करना है, कितना वोल्टेज यहाँ पे रखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए फटाफट हम खोल लेते हैं। तो प्रीसेट मेरा लगभग खुल चुका है, और इसमें दोस्तों जंग वगैरह भी लगा हुआ है, तो जंग लगने के कारण ये काम करना बंद कर देती है। तो एक तरीके से ये अब वॉल्यूम के जैसा भी काम करती है, रेजिस्टेंस के जैसा ही काम करती है ये। तो मैंने 200 ओम्स का प्रीसेट लिया हुआ है, और यहाँ पे फिल कर देना है, और फिल करने के बाद आपको ड्राइव वोल्ट कितना में रखना है जो कि आपका आवाज़ बिल्कुल क्लियर भी हो जाए। अगर दोस्तों ड्राइव वोल्ट अगर बढ़ जाएगी तो इससे भी आपको नुकसान है, और अगर ड्राइव वोल्ट अगर कम रहेगी तो आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल ही साफ नहीं बजेगी, एम्पलीफायर बिल्कुल ही आवाज़ फटने लगेगी। तो प्रीसेट को मैंने यहाँ पे सोल्डिंग करने के बाद में एक बार फिर से लाइन इनपुट करेंगे अभी, और इस जगह पे यहाँ पे पतला वायर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पीला कलर की वायर देख रहे हैं, तो इसी में से आपको ड्राइव वोल्ट आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कितना चेक करके रखना है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। चलिए मैं आप सबसे पहला मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमने अपने काला मीटर की ब्लैक वायर जो होती है उसे को मेरे एम्पलीफायर की बॉडी से ग्राउंड कर लेना है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ ताकि मीटर का जो पकड़ है अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाए, और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कार्बन वगैरह लगी होती है सोल्डिंग में जिसके कारण जल्दी मीटर से कनेक्ट हो नहीं पाती है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। और हमने ब्लैक को एम्पलीफायर की बॉडी से ग्राउंड किया है, और दूसरे में देखेंगे यहाँ पर प्रीसेट में जहाँ से वोल्टेज हमें नहीं मिल रही थी, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 12 वोल्ट के करीब यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है। 12 वोल्ट उसके पर मिल नहीं रही थी, और यहाँ पे हमें 18 वोल्ट मिल रहा था, ये तो ठीक है। तो प्रीसेट में
वोल्टेज मिल रही है मुझे, और अब जो बेस वोल्ट है उसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे लगभग 0.5 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ पे 0.3 वोल्ट के करीब आ रही है। तो चलिए मैं MP3 अब चालू करता हूँ, और MP3 जब चालू करेंगे तो उसी समय आपको प्रीसेट से एडजस्ट करके आपको 0.5 के वोल्ट के करीब यहाँ से ले जानी है। तो मैं आपको सारी चीज़ें दोस्तों इसी वीडियो में बताएंगे, और आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं हम, और प्रीसेट से वोल्टेज भी सेट कर लेते हैं। तो आपको इतना बढ़ाना है कि 0.5 के करीब यह पहुंच जाए, 0.3 है अभी, ये 2 हो यानी घट रही है अभी, आपको घटाना नहीं है, आपको बढ़ा देना है और धीरे धीरे घुमाना है इसे। 4 इसे 5 कर देना है, कम से कम 5। चलिए दोस्तों हमारा 0.545 के करीब हो चुका है, और आवाज़ भी क्लियर हो चुकी है। तो आप सुन सकते थे आवाज़ पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, और दोस्तों वॉल्यूम जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वॉल्यूम को हम टाइट कर लेते हैं, और इसकी जो फ्रंट पैनल है इसे भी हम सेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम मैं सेट कर लिया हूँ, और ये हमारा USB कार्ड का ये सेंसर है, तो इसे सही जगह पे सेट करके, और आगे का जो पैनल है उसे भी टाइट कर लेंगे, और फिर दिखाते हैं आपको एक बार फिर से टेस्ट करके। तो कोई भी एम्पलीफायर हो दोस्तों, अगर आप उसे साफ़ सफाई रखते हैं, और ख़ास करके अगर इसके अंदर मॉइस्चर नहीं लगता है, तो आधा प्रॉब्लम दोस्तों आपका एम्पलीफायर में गंदगी या मॉइस्चर से हो जाती है। तो इसमें जैसे मैंने साफ़ किया था, आधा प्रॉब्लम तो दोस्तों इसका ऐसे ही दूर हो चुका है धोने से ही। तो मैं आपको एक बार फिर से लाइन इनपुट करके टेस्ट करके दिखाता हूँ अभी। तो कैमरे को हम नीचे कर लेंगे और दिखाते हैं बिल्कुल क्लियर आपको। तो अभी तक हमने स्विच ऑन नहीं किया है, ये है मेरा स्विच ऑन, और अभी ये मास्टर वॉल्यूम है। तो इसकी जो आवाज़ है बिल्कुल साफ़ हो चुका है, आप सुन भी सकते हैं। तो एम्पलीफायर दोस्तों आपको करना क्या है कि आप जैसे था वैसे फिर से आपको सेट कर देना है, टाइट कर देनी है, और एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों यहीं पर आपको 0.5 वोल्ट के करीब आपको टेस्ट करना था, जो पीला कलर की पतली वायर आप देख रहे थे। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी राय क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।